किसी ने क्या खूब कहा है, कितना ही पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना ही पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये व्यक्त साहब बदलता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आप अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, कन्या राशि वालों का 26 मई दिन बुधवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा गणपति महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि इन हालात में पिता माँ पत्नी और बेटा भी हो सकते हैं दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य की नीतियों को अपनाकर व्यक्ति संकट काल को भी काट सकता है। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका बताने के साथ ही जीवन में सुख भी प्राप्त करा सकती है। चाणक्य ग्रंथ नीति शास्त्र के अनुसार कई बार रिश्तों में लोग शत्रु समान बर्ताव करने लगते हैं, इसमें व्यक्ति की पत्नी बेटा और पिता और माँ भी शामिल है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि कर्ज लेकर उसे न चुकाने वाला पिता पुत्र के लिए शत्रु समान होता है। अगर पिता के सिर पर कर्ज का बोझ होता है तो बेटा का जीवन कष्टकारी होता है। इस परिस्थिति में एक पिता अपने बेटे के लिए दुश्मन से कम नहीं होता है। दोस्तों रिश्ते में माँ और संतान के बीच का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया, लेकिन माँ अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार न करे तो वो शत्रु समान है। इसके अलावा पति के अलावा पराए व्यक्ति से रिश्ते हैं तो वो अपने बेटे के लिए दुश्मन समान है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि सुंदर पत्नी का होना पति के लिए समस्या कारण बन जाती है। पति के मुकाबले कमजोर उसकी रक्षा न करने वाला पत्नी के लिए दुश्मन से कम नहीं होता। चाणक्य के अनुसार माता पिता के लिए मूर्ख संतान दुश्मन से कम नहीं होती है। संतान के मूर्ख होने से माता पिता के जीवन दुखों से भर सकता है। इसके अलावा जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश नहीं देते हैं वो संतान के लिए दुश्मन के समान होते हैं। दोस्तों आएगा चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आगे पंचांग के बारे में। आएगा पंचांग 26 मई 2021 दिन बुधवार, आएगी तिथि है पूर्णिमा तिथि, आएगा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, आज सूर्योदय होगा 5:25 पर, सूर्यास्त होगा 7:10 पर। दोस्तों आएगा अशुभ समय है 11:50 से 12:45 तक रहेगा। दोस्तों आए कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 2। अब बात करते हैं दोस्तों आए कन्या राशि के बारे में कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले आय आपका आत्मविश्वास ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। इस राशि के जो लोग विदेशों में व्यापार करते हैं उन्हें आय अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आपको अपनी भावना को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन आसपास के लोगों से झगड़ा ना करें नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। अपनी प्रिय की गैर जरूरी बातों मांगों के सामने घुटने न टेकें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता न करें, आपकी गैर हाजिरी में सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। और अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी भी हो जाए तो अपने तो आप लौटने पर उसे आसानी से हल कर लेंगे। आपको ऐसी जगह से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहाँ से आपने इसकी कभी कल्पना भी ना की हो। रिश्तेदारों का दखल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकता है। प्रिय व्यक्ति के साथ दूरियां बनी रहने के कारण आपको नाराजगी महसूस होगी, लेकिन आपस में हुए बात को मिटाने के लिए आप प्रयत्न भी करेंगे, जिससे आपको सफलता कुछ प्रयत्न के बाद प्राप्त होगी। परिवार के व्यक्तियों की सेहत संबंधी चिंता बनी रह सकती है। किसी राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन आपके बिजनेस को भी नई दिशा देंगे, परंतु अभी बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में खासतौर पर महिलाओं को अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में बेहतरीन समय व्यतीत होगा तथा घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। शेयर सट्टा आदि काम करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान होने के योग है। डेली रूटीन में अच्छा खासा बदलाव होने के योग बन रहे हैं। ईमानदारी से काम करते रहें, धैर्य और शांति रखें तो सब सामान्य हो जाएगा। अगर आप अपने प्रेमी के साथ विवाह करने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। योगा व ध्यान के द्वारा आप अधिकांश शारीरिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नौकरी पैसा लोगों के सामने अचानक कुछ अनचाही स्थिति बन सकती है। कुछ मामलों में अधिकारियों से मदद नहीं मिलने के कारण आप परेशान हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश भी आप करेंगे। बिजनेस में उधारी से बचने की कोशिश करें, लोगों को ज्यादा पैसा उधार देने से बचें। आज आपके लिए शुभ रंग काला है, ये रंग आपको दुश्मनों की बुरी नजर से बचाएगा। आज आप नए काम करने की सोच सकते हैं। अपनी कीमती वस्तु संभाल कर रखें, आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। किसी भी कार्य को वक्त पर करना सीखें, किसी विवाद में विजय प्राप्त हो सकती है। लंबे समय के बाद पुराने दोस्तों से मिलने से दिन आनंद में होगा। अपने प्रिय से शादी विवाह की बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, बाद सुलझ जाएंगे, बिना मांगे मदद मिलेगी। कर्ज लेने से बचें, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आप बिन विवाहित को अपना योग पार्टनर जल्दी मिल सकता है। आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है, एक यादगार यात्रा होने की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने वरिष्ठों से एहसान लेंगे। मित्रों के साथ मनाया गया जश्न आपको अत्यधिक आनंद उल्लास देगा। आपके अतीत से कोई अपना आपके लिए संपर्क में आएगा,
जाएगा, जिससे आज का दिन एक यादगार दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ अपने अंतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज बढ़िया दिन है। आपको अपने काम के लिए मान्यता और पुरस्कार प्राप्त होंगे। सहकर्मी और मातहतों आपके लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। सकारात्मक और रचनात्मक पहल करने के लिए समय अच्छा है। आराम और सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समाधान रहेंगे। आज का दिन अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्यक्रम में पूर्णतः परिवर्तन लाने के अनुकूल है। पिछले कुछ समय से जो सारी समस्या आपको प्रताड़ित कर रही थी, उससे आपको अब छुटकारा मिलने वाला है। आज का दिन आपके लिए विवादों की ताजगी और नवीनीकरण लेकर आएगा। आपका मिजाज सकारात्मक होगा और आप दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए यात्रा की संभावना प्राकृतिक स्थलों की सैर आपके शारीरिक और मन को फिर से जीवंत कर देगी। आपने जिन घटनाओं के होने की कभी उम्मीद न की थी, आज उनके होने की प्रबल संभावना है। आप भिन्न भिन्न उद्यमों में जोखिम लेंगे और उनमें सफल भी हो जाएंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से मन और तन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। इस समय दिल की बजाय दिमाग से काम लेना उचित है। प्रॉपर्टी को लेकर किसी संबंधी के साथ गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श भी होगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। अपने स्वभाव में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है। कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन को समस्या आ सकती है। आपके द्वितीय भाव में स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में होने से परिवार में किसी न किसी वजह से विवाद की स्थिति बन सकती है। ये विवाद संपत्ति धन से संबंधित हो सकती है। घर के लोग इन बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ हर मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपसी संबंध में तल्खी भी आ सकती है। यदि आप स्थिति को पहले से ही समझ चुके हैं तो समय रहते कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें या घर के वरिष्ठ जनों से बात के मामले को शांत करने की कोशिश करें तो पारिवारिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। जितनी आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी, उतनी ही विवाद होने की संभावना कम होगी। हालांकि इस राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग इस दिन प्राप्त हो सकता है। उनके सहयोग से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सही निर्णय ले सकते हैं और पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। माता पिता के साथ अपने मनोभावों को व्यक्त करके आप अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आज बुधवार गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से गणपति महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो गणपति महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वही कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यह का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले